अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल शाइनिंग स्टार्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 22 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए से लास्ट चैप्टर तक के शॉर्ट एंड लॉन्ग इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगी। एंड हम लोग जोलॉजी कर चुके हैं, ये बॉटनी का पार्ट है। बेसिकली हम लोग जोलॉजी के सारे शॉर्ट एंड लॉन्ग इंपॉर्टेंट कर चुके हैं, आज हम लोग बॉटनी के करेंगे। इसमें टोटल 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ पे डिटेल आंसर्स दिए हुए हैं, तो डिटेल आंसर्स में आपने दो करने हैं और वो ज़रूर करने हैं। एक करना है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024। एंड आपने सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन भी ज़रूर करना है। और ये याद रखिएगा कि सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है, ये सारे लॉन्ग मैं आपको करवा चुकी हूँ। हाँ, शॉर्ट रह गए, आई एम सॉरी, बहुत टाइम लग रहा है शॉर्ट में। एक्चुअली 2 क्वेश्चंस हैं जो अभी तक नहीं हो पा रहे हैं, और ना मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी करवा दूं आपको। सो आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी ज़रूर करना है। देन ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड जीन रेगुलेशन वगैरह, ये बस आप देख लीजिएगा, शॉर्ट में आ सकता है। मुझे लगता है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन शॉर्ट में आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैंने पहले भी आपको ये सजेशन दी थी कि शॉर्ट क्वेश्चन आपने तो किसी सूरत कोई सा भी नहीं छोड़ना है, एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपने ज़रूर करना है, इसका है क्वेश्चन नंबर 1 आपने ज़रूर करना है। ऑफ कोर्स ये रीज़न है व्हाई डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स, रेप्लिकेशन इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, ये भी एक रीज़न है। डिफरेंस बिटवीन देम ये भी आपने ज़रूर करना है। लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए भी ज़रूर करना है। ये गिव द नेम्स ऑफ एंजाइम, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी आपने ज़रूर करना है, ठीक है। एंड गिव साइट्स एट राइबोसोम, ये भी ज़रूर कर लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपने ज़रूर करने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024। है इनहेरिटेंस, इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग मैं दोनों करवा चुकी हूँ, सो ये आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसमें। ऑफकोर्स मैंने आपको जोलॉजी जब करवा रही थी तब मैंने आपको कहा था कि डेफिनेशंस आपने सारी करनी है, उसमें मैं आपको नहीं बताऊंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट है और ना तो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंस एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का एक एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एंड आपने वो अटैम्प्ट करना ही होता है, और ये आपके लिए ईजिली आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, आपके लिए ईजी होता है। सो आपने क्वेश्चन नंबर 4 पूरा करना है, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स इन्फ्लुएंस रेट, ये डेफिनेशन में आ सकता है। हेमोफीलिया इज कॉमन एंड ये रीज़न है, ऑफकोर्स ये भी करना है, मतलब सारे इसके तो शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि एक रीज़न में आ जाते हैं, और ये चैप्टर एम डी कैट में भी इंक्लूड होता है, सो दैट्स वाई आपने ये चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ह्यूमन मेल आल्कोहल हीट्रोगैमेटिक, सो ये भी याद रखिएगा कि ये भी एक रीज़न है। वॉट यू मीन बाई डाइक्रोमैसी एंड मोनोक्रोमैसी, ये भी डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन के तौर पर आपने ये ज़रूर करना है। ये डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स हैं, डेफिनेशन आपने ज़रूर करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 10, वाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज कॉल्ड प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ये भी एक रीज़न है। मेल क्वेश्चंस टोटल 5 हैं एंड आपने यहाँ पे जेनेटिक क्रॉस से प्रूव करना है कि क्या चांसेस हैं कि चाइल्ड में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपने इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेड्स ज़रूर करना है, ये ज़रूर आता था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन शॉर्ट में आता था और ये इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेड्स ऑफ कोर्स लॉन्ग में आता था, तो इसके साथ जेनेटिक क्रॉस के साथ ज़रूर प्रिपेयर करिएगा इसको। ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम आपने ज़रूर करना है, ये एम सी क्यूज़ में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एम सी क्यूज़। एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस एंड सेक्स लिंग इन ट्रेड्स विद जेनेटिक क्रॉस, ये भी आपने ज़रूर करना है, ठीक है। ये चैप्टर मैंने आपको कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपने ज़रूर करना है, ये सारे क्वेश्चन करिएगा शॉर्ट, कोई भी मत छोड़िएगा। एवोल्यूशन है तो ये भी एमडी कैट में इंक्लूड होता है, और इसमें पहले ही क्वेश्चन है डिफरेंस, आपने डिफरेंस ज़रूर करना है। इसके बाद ह्यूमन ऑर्गन्स है, सपोर्ट द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, एनालॉगस ऑर्गन्स को डिफाइन करना है विद एग्जाम्पल्स, सो ऑफकोर्स आपको ये पता है कि ये डेफिनेशन में आ सकता है। न्यू डार्विनिज्म डिफर्स फ्रॉम डार्विनिज्म, सो ऑफकोर्स ये भी रीजन में आ सकता है। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन डिफर्स फ्रॉम द पेरिपैट्रिक स्पेसिएशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग एलील फ्रीक्वेंसी, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, डिटेल क्वेश्चन हैं, डिटेल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 24 इवोल्यूशन। इसमें आपने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जरूर करना है, क्वेश्चन नंबर 1 भी जरूर करिएगा, लिमार्क्स थ्योरी, लिमार्किज्म, देन बायोजियोग्राफी एंड पैलेंटोलॉजी प्रोवाइड एविडेंसेस, ये शॉर्ट में आ सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट आपने करना है, ठीक है।
स्पेसिएशन और एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन की जो डिफरेंट वेज है ना, इसको भी ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक न्यू टॉपिक है आपकी बुक का, ये आ सकता है और ये बहुत ईजी है, मैंने आपको करवाया भी है। चैप्टर 25 है मैन एंड हिज एम्वायरमेंट, इसमें टोटल 8 है क्वेश्चंस, इसमें आपने डिफरेंस करना है। ये ऑफ कोर्स ये डिफरेंस आ जाएगा। वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी ये भी ज़रूर कर लीजिएगा, कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन ये भी कर लीजिएगा, एंड फ्लो एनर्जी फ्लो बिटवीन द ट्रॉपिक लेवल्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द नाइट्रिफिकेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन, वाई बायोजियो केमिकल साइकिल इज नेम सो, ये भी एक रीज़न है। ये आपने ज़रूर करना है। इसके बाद ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, 4 लॉन्ग क्वेश्चन में सक्सेशन ज़रूर करनी है, ठीक है। इसके बाद आपने कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग ऑफ ह्यूमन हेल्थ ज़रूर करना है, और नाइट्रोजन साइकिल, ये नाइट्रोजन साइकिल ना पहले भी बहुत आती थी, आपने ये नाइट्रोजन साइकिल भी ज़रूर करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हैं जो आपने ज़रूर अटैम्प करने हैं और इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024। चैप्टर 26 बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में आपने क्वेश्चन नंबर 3 ज़रूर करना है, हाउ इज़ बायोटेक्नोलॉजी यूज्ड इन हेल्थ केयर। लाइक समझा करें कि चैप्टर 26 है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से जितने रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का जिक्र हो रहा है, आपने उन सबको प्रिपेयर करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा जिस चैप्टर के उस पर नेम होता है ना, जिस टॉपिक पर, वो ज़रूर आता है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने ये ज़रूर करना है। वायर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर कॉल्ड मॉलिकुलर सीजर्स, ये एक रीज़न होता है और ये पहले भी आता था, ज़रूर इसको भी प्रिपेयर करिएगा। एंड एनलिस्ट एंजाइम यूज इन आर डी एन ए टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आपने ये भी ज़रूर करना है। ये डेफिनेशन है पैलिंड्रोम, ये भी ज़रूर करनी है, ठीक है। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय आर एफ एल पी एस, ये भी ज़रूर करिएगा। ये हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस, डिटेल क्वेश्चंस में ये टोटल 3 है और इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ डीएनए सीक्वेंसिंग कर लेनी है। इसमें आपने बताना है हाउ हैज़ इट बीन यूज्ड टू स्टडी जेनेटिक म्यूटेशंस एंड डिजीजेस, बस यही करिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बस यही आ सकता है क्वेश्चन डिटेल क्वेश्चन में, देन अगर कोई होगा तो मैं आपको बता दूँगी। ये चैप्टर 27 है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसमें डिफरेंस दिए हुए पहले तो 3, सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन में, वेजिटेबल्स ऑफ समर एंड वेजिटेबल्स ऑफ विंटर में, सिलेक्शन एंड बैक क्रॉस में, ये डिफरेंस आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 ज़रूर करना है, लिस्ट द आउटस्टैंडिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स ऑफ काउ एंड वाई वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर इन्फेक्टियस डिजीज, ये भी ज़रूर करना है। ये डिटेल क्वेश्चंस हैं, इसमें आपने वैक्सीनेशन ज़रूर करना है, क्योंकि इसमें वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा टॉपिक है और 2 दफ़ा दिया हुआ है वैक्सीनेशन, ज़रूर वैक्सीनेशन का टॉपिक अटैम्प आपने करना होगा। एंड बस यही क्वेश्चन है, सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, आपने डिफरेंस नहीं छोड़ने, आपने कोई डेफिनेशन नहीं छोड़नी है, और छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं रीज़न टाइप के, क्योंकि असल में बॉटनी में ऐसा होता था कि बॉटनी में 2 क्वेश्चन आते थे एंड एक में आपने एक एक लाइन का, मतलब ऐसा होता था कि वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता था और उसमें आपने अटेम्प्ट करना होता था, उसमें कोई नेम लिख दिया, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है ना, लिस्ट द आउटस्टैंडिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स ऑफ काउ, तो इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ नेम्स लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक क्वेश्चन में, एंड देन दूसरे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि थोड़ा सा डिटेल होता है, वो थोड़ा सा डिटेल होता है, वो 2-3 मार्क्स का होता है, तो वो इनफ होते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपने ज़रूर करना है, लाइक वाई वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर इन्फेक्टियस डिजीज़, तो ये 2-3 लाइन्स का होगा, तो ईजिली अटैम्प हो जाता है। और ये 2-2 आवर्स के पेपर होते हैं, आपने इनको ज़्यादा टाइम ऐसा नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख देंगे, हाँ लॉन्ग ज़रूर डिटेल में लिखिएगा, क्योंकि एक लॉन्ग होता है 8-9 मार्क्स का, तो ऑफकोर्स उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी होता है लॉन्ग, एंड तो ऑफकोर्स प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, डायग्राम भी होनी चाहिए, 8-9 मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। सो दैट्स इट, इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की भी जल्दी अपलोड करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।